और आज मैं जिनको रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, जो मेरे पीछे नारे लगा रहे हैं, वो है IPNS पास जिन्होंने 33 मार्च लिया है। वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने गलों में सूखी रोटी, घास और हाथों में तस्वीरें पेश के रखी है। इसे क्या मुतालबात है? उन्होंने अपना ये हाल करके मोहम्मद हसनैन ने, मैंने तो 34 मार्क किए IBA टेस्ट में, तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें भी जो है 33 पे ऑफर ऑर्डर दिए जाए, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी, दो पॉलिसी बनाई है, हार्ड एरिया करार देके अपने इलाकों में मिट्टी थरपारकर जो तो सरदार शाह का इलाका है वहाँ पे लोगों को ऑफर ऑर्डर ज्वाइनिंग भी दी गई है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारा शिकारपुर भी हार्ड एरिया है, लोगो एरिया है, हमें भी 33 पे पास किया जाए, हमारी बेचैनी खत्म की जाए। जी ये थे मोहम्मद हसन सुमरो जी, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद अहमद सुमरो है। सरदार शाह ने 33 पे अपने इलाकों में कैंडिडेट को पास किया है। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध हुकूमत ने अपने मनपसंद इलाकों को 33 पे पास करके उनको ऑर्डर दिया है। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भी सिंध के नौजवान हैं, बराए मेहरबानी हमसे भी इंसाफ करें, एक सिंध एक पॉलिसी होना चाहिए, दुगनी पॉलिसी बंद करें। मेरा नाम मोहसिन अली सुमरो है जी। हमारा ये मुतालबा है कि जो सरदार शाह ने अपने मनपसंद एरियाओं को 33 पे पास करार दिया है, तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि देखो कितने लोग परेशान हैं, तो हम भी 33 से ऊपर 39 तक पास हैं, तो हमें भी पास किया जाए। हमारा शिकारपुर भी जो है ना हार्ड एरिया है, हमारा शिकारपुर भी हार्ड एरिया है। सरदार शाह और CM सिंध सैयद बहादुर शाह ने अपने अपने इलाकों और अपने पसंद के लोगों को 33 पे पास किया है, बहाना बनाया गया हार्ड एरिया का। और सच ये है कि मैं भी ये कहूंगा कि सिंध भर जितने भी अजला है उन सब में से ज्यादा अगर हार्ड एरिया को सफर किया जाए वो शिकारपुर है, क्योंकि सबसे बड़े डकैत और सबसे ज्यादा लोगो एरिया शिकारपुर जिले में है और पसमानदगी भी शिकारपुर जिले में है। और इस बदतरीन सूरतहाल के बावजूद भी अगर CM सैयद बहादुर शाह साहब और मौके में तालीम के सूबाई वजीर सैयद सरदार शाह साहब को शिकारपुर हार्ड एरिया के तौर पर नजर नहीं आ रहा, यहाँ के लोगो नजर नहीं आ रहा है, मैं समझता हूँ ये बदतमीजी है, अपना नवाजी के सवाल और कुछ नहीं है। जरूर समर किया है कि मौके में तालीम सिंध के सूबाई वजीर सरदार शाह साहब और सिंध के वजीर अला सैयद बहादुर शाह साहब बने नौजवानों के एहतजाज का नोटिस ले और शिकार फिल्म हार्ड एरिया करार देकर इनके नौजवानों को जो 33 मार्च किए हैं, जिस तरह से दूसरे दिगर अजला के नौजवानों को हार्ड एरिया के बहाने या हार्ड एरिया करार देकर उनको पास किया गया और उनके ऑफर ऑर्डर दिए गए, नौकरियां दी गई, मुकाम तालीम है, इस तरह शिकारपुर के नौजवानों की चार मुतालबात को तस्लीम करके शिकारपुर को हार्ड एरिया का देकर नौजवानों को ऑफर ऑर्डर और ज्वाइनिंग ऑर्डर देकर जो है उनका जो नारा है एक सिंध एक पॉलिसी, इस नारे को जो है अमली जामा भी पहना जाए, क्योंकि सिंध एक है तो पॉलिसी भी एक ही होनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, सात सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।